नागपुर के हवाला की नकदी लूटे जाने के प्रकरण में एमआईडीसी स्थित एकात्मा नगर में दबिश देकर 6,32,000 रुपए की बरामदगी की गई है। कार्रवाई के दौरान बादल चंद्रवंशी तथा कुणाल साहू नामक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। देर रात तक पुलिस इस प्रकरण की जाँच में जुटी हुई थी। ज्ञात हो कि 25 सितंबर की दोपहर लकड़गंज में अहमदाबाद के हवाला व्यापारी कमलेश शाह के कर्मियों से चाकू की नोक पर 21,30,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस प्रकरण में अब तक व्यंकटेश उर्फ गोलू कोहाड़, उमेश सोनकुशरे तथा रूपलाल लिल्हारे को गिरफ्तार किया गया है। एमआईडीसी पुलिस को एकात्मता नगर निवासी कुणाल साहू के पास लूटी गई राशि का बड़ा हिस्सा रखे जाने का पता चला। इसके आधार पर पीआई उमेश बेसरकर, दीपक लबड़े की अगुवाई के कुणाल के घर पर दबिश दी। तलाशी लेने पर 6,32,000 रुपए तथा एक्टिवा मिल गई। कुणाल ने पूछताछ करने पर अंकित डोगाड़े द्वारा रुपए तथा एक्टिवा रखना बताया। अंकित अपहरण और फायरिंग के प्रकरण में लिप्त है। वह मंगलवार सुबह एक साथी के साथ अंकित के घर आया। उसने अंकित को रुपए और एक्टिवा संभालने को कहा। नकदी और एक्टिवा सौंप कर साथी के साथ लौट गया। पुलिस को अंकित के कुणाल से पहले बादल चंद्रवंशी के घर भी जाने का पता चला है। जबकि देर रात तक पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी पड़ी थी, इसकी जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है।